नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। अभी कुछ दिनों पहले ही बरसात खत्म हो गई और जलस्तर भी काफी ऊपर है, फिर भी पठार क्षेत्र के दर्जन भर गांवों के हैंडपंप आज दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। अभी वर्तमान में ये हालात पैदा हुए हैं तो भीषण गर्मी का नजारा भी कुछ और रहेगा, जिसको लेकर प्रशासन अभी से ना कोई सुध ले रहा है, ना ही ढंग से सुधार कार्य किए जा रहे हैं, जिससे आम जनता में काफी आक्रोश पनप रहा है। जानकारी अवगत हो कि पठार क्षेत्र के ग्राम दिग्धा, कोड़बी, आंजन बिहारी, महकेपार, बमहनी ऐसे दर्जन भर गांवों में सैकड़ों हैंडपंप वर्षों से बिगड़े हालात में हैं। कुछ हैंडपंपों का पानी उपयोग में नहीं है तो कुछ में पानी ही नहीं आता। यदि इस समस्या को लेकर शिकायत होती है तो मेंटेनेंस कर्मचारी आकर सुधार कार्य करते हैं, लेकिन पुनः दो दिन बाद ज्यों की त्यों स्थिति बन जाती है। कई हैंडपंपों के GI पाइप सड़ चुके हैं, जो निकालने के बाद पुनः कभी नए पाइप की व्यवस्था नहीं बनती। इस संबंध में कटंगी PHE अधिकारी श्री डोंगरे जी से बात की गई तो उनके कथन अनुसार ऊपरी विभाग से पाइप नहीं भेजने की बात कही गई। हैंडपंपों की दयनीय स्थिति के कारण क्षेत्रीय पठार संघर्ष समिति की ओर से शासन प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि समस्त बिगड़े हुए हैंडपंपों को सुधारा जाए। मैं लक्ष्मी भाई गाने, दिग्धा वार्ड नंबर 17। ये समस्या है कि हैंडपंप का पानी 5 साल से अच्छे से निकल नहीं रहा, पाइप मांग रहे तो पाइप नहीं दे रहे। ये पूरे पंचायत का यही हाल है। और ये समस्या है कि हमारे पूरे टोली में पानी की बहुत भारी ये है, तो हम बाहर से पानी ला रहे, कई पाइपलाइन चालू है वहाँ से ला रहे, कोई बाहर से कुएं से ला रहे, कोई किसी के जो हैंडपंप है इसकी स्थिति काफी दयनीय है। लगातार 5 वर्षों से ये बिगड़ा हुआ रहता है। कुछ सुधारने वाले आते हैं, ये सुधार के चले जाते हैं, 2 दिन तक चलता है और उसके बाद महीना 2 महीने के लिए बंद हो जाता है। यहाँ से जो इसके जो पाइप है अंदर के, वो भी पूरे बिगड़े हुए हैं, तो ये इसको निकाल के लेके चले जाते हैं, लेकिन नए पाइप की व्यवस्था नहीं बनाते। अतः मैं समस्त ग्रामवासी दिग्धा की तरफ से निवेदन करता हूँ कि इस हैंडपंप को सुधार के इस मोहल्ले में जो भारी पानी की जो दिक्कत हो रही है उसको दूर करने का प्रयास करें।